Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Simple Concepts. This video is about economic and financial affairs and also we'll be talking about some general awareness topics which are helpful for your RBI grade B, SEBI grade A and UPSC examination. तो हम इस वीडियो में नवंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं इन कॉम्प्रहेंसिव मैनर. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट रूही मैम इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एडुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. देयर शी हैंडल्स कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज फॉर सेबी ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी. अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट जॉइन द कोर्सेज विच आर टॉट बाय रूही मैम ऑन अनअकैडमी. ठीक है, उनके कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सो व्हाइल यू आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड SC10. दिस विल गेट यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट गो एंड एनरोल फॉर इट राइट नाउ. दीज आर द कोर्सेज विच आर टेकन बाय रूही मैम ऑन अनअकैडमी. RBI ग्रेड बी फॉर फेज 2, SEBI ग्रेड ए फॉर पेपर 2, बैंकिंग फिनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस फॉर ऑल इंश्योरेंस एग्जाम. तो इनमें से आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन हर कोर्सेज. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है दैट यू विल हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी. उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं SC10, जिसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा. Now we are talking about the subscription on an academy. तो उसके लिए this is one of the price hike alerts, जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ कि 31st December से पहले अगर आप an academy का subscription ले लेते हैं then it would be very beneficial for you. Why? Because इसके बाद जो prices हैं, ठीक है, उनमें हाइक आने वाला है, तो आप जो चीज़ अभी कम प्राइस में ले सकते हैं वो उसके लिए आपको बाद में जाके ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ द प्राइस हाइक अलर्ट. एज यू ऑल नो दैट अन अकेडमी इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्रैक ऑल द बैंक एग्जाम्स एंड ऑल्सो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, इसके अलावा आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अन अकेडमी इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइज. Okay, here you get the courses. While sitting at your home, you learn from the top educators of the country at just one platform. Okay, so this is the biggest advantage if you take subscription on an academy. आपको सारे teachers एक ही platform पर मिलते हैं सारे subjects के लिए. Okay, and other than the courses, you will also get the doubt session. डाउट सेशंस वुड बी देयर. आपके आंसर राइटिंग सेशंस होंगे जो UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं. देन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ PDFs. ओके, देन द वीडियोज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड ईच स्टूडेंट वुड बी गिवन अ पर्सनल मेंटोर जो कि उसको एंटायर प्रिपरेशन के दौरान गाइड करेगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम अन अकेडमी बाय जस्ट गेटिंग वन सब्सक्रिप्शन ऑन इट. ओके, तो आप सब्सक्रिप्शन 31st December से पहले ले लीजिए. इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. नाउ यू हैव टू ज्वाइन दिस चैनल. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट्स बाय रूही मैम. आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो है. हियर यू वुड बी गेटिंग द updates regarding your upcoming exams and the courses. Okay, also whatever course you are doing उसके लिए आपका study material पूरा इसी channel पर available होगा. Here your doubts could also be resolved and the queries could be solved over this channel only. Okay, so do not forget to join this channel. Now we are getting started with our articles. तो ये जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है जो हमें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए. ओके, तो इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. काफ़ी सारे हेडिंग्स के अंडर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. ओके, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज़ दैट कि हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं.
Okay, so after the failures of IL and FS, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank and DHFL, the bailout of Yes Bank, and the RBI has now decided to impose a 30-day moratorium on Lakshmi Vilas Bank Limited. अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कुछ रिसेंटली फेलियर्स हुए हैं बैंक्स में, उनकी बात कर रहे हैं. उनका जो कंडीशन हुआ है उसको देखते हुए, उनकी क्राइसिस से सीखते हुए आपका जो आरबीआई है उसने डिसाइड किया है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको हम मोरेटोरियम पीरियड के अंदर रख रहे हैं फॉर 30 डेज. ओके, सो हियर द पॉइंट इज दैट कि आपके ये कुछ बैंक्स है, ILFS, देन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक DHF, और आपका येस बैंक का आपको पता ही है कि क्या हुआ था. ठीक है, तो येस बैंक का भी आपको पता है. तो ये कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने रिसेंटली फेलियर फेस किया है. ओके, सो बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ दीज बैंक्स, जो आपके LVB है उसको RBI ने मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है. सो उसके लिए मोरेटोरियम पीरियड में रखे हैं. मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? मोरेटोरियम पीरियड इज द पीरियड इन विच द अदर पर्सन, ओके, हु हैज टेकन द लोन, द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज टेकन द लोन, इट वुड बी गिवन द रीपेमेंट रिलीफ. उसको रीपेमेंट रिलीफ दिया जाएगा कि आपका जो लोन दिया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए रिलीफ दिया जाएगा दैट इट्स ओके इफ यू डोंट पे इट फॉर 30 डेज. ओके, सो वही है आपका मोरेटोरियम पीरियड. RBI has also put in place a draft scheme for amalgamation of LVB with DBS Bank India, a subsidiary of DBS of Singapore, and has raised concerns about the safety of the financial system. ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सबसे बड़ा अराइज होता है वो है फिनेंशियल सिस्टम की सेफ्टी पर. ठीक है, तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में बैंक्स को लेकर, तो उसके ऊपर कंसर्न दिखाया गया है RBI के थ्रू. हियर द पॉइंट इज दैट कि आपको क्या लगता है कि दो जो बैंक्स हैं, बैंक्स को मर्ज क्यों किया जाता है? आपने रिसेंटली देखा होगा कि कई सारे बैंक्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है. आपके अभी देखा था आपने, चार जो बैंक्स थे, ओके, उनको मर्ज कर दिया गया था, ओरिएंटल बैंक और यू नो दीज बैंक्स वर देवर मर्ज्ड. सो व्हाई डू यू थिंक दीज बैंक्स आर मर्ज्ड? ओके, गवर्नमेंट ये स्टेप क्यों लेती है? यू नीड टू एस्टिमेट कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बैंक्स को मर्ज करना पड़ता है. तो देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बैंक्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी लॉस में चल रही हो, ठीक है, एंड गवर्नमेंट का शेयर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस में चल रही है एंड गवर्नमेंट का उसमें शेयर है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने अथॉरिटी के अंडर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर सकती है जिससे कि वे लॉस में ना जाएं, ठीक है, जिससे कि उसके जो स्टॉक्स हैं वो लॉस में ना जाएं, उनके जो एसेट्स हैं वो फ्री में ना बिक जाएं. ठीक है, तो आप पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पे कि आइडिया क्या होता है जो ये मिंगलिंग और मर्जिंग चलती है गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मर्जिंग ऑफ द बैंक्स. ओके, बैंक्स और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. आपने देखा होगा दैट PSUs जो होते हैं आपके, जो लॉस में जाने लगते हैं, ठीक है, जिनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, तो उनको भी मर्ज कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है. तो इनके ऊपर जो बजट खर्च होता है हमारा, वो बच जाता है. गवर्नमेंट का जो बजट खर्च हो रहा है वो बच जाता है, क्योंकि ये PSUs जब लॉस में जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो कोई भी फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. जो हमारी इकोनॉमिक यू नो पिरामिड है उसमें कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें PSUs की तरफ से. ठीक है, कोई फिनेंशियल हेल्प नहीं मिल पा रही है. जब उनके पास प्रॉफिट ही नहीं है देन हाउ वुड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, राइट? सो दे आर सीन एज द लायबिलिटी. ठीक है, तो उनको इसीलिए बंद कर दिया जाता है या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर दिया जाता है जहाँ पर जाकर उसकी जो यू नो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए. सो दिस इज द पॉइंट हियर. तो
इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है ना। अब मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद होने वाली है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वो पे करती है, सबसे पहले वो एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उनको फायर करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो खुद को लॉस से बचा पाएँ। तो इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर हम मर्जिंग होती है, मिंगलिंग होती है, दो ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी लॉस में जा रही होती है उनको मिलाकर अगर प्रॉफिट बनता है, तो उस प्रॉफिट के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ओके, बिकॉज दोज ऑर्गेनाइजेशंस वुड नाउ बी रीस्टार्टेड। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को, दैट व्हाट इज़ द पॉइंट बिहाइंड यू नो मर्जिंग ऑफ दीज बैंक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हम बात जो कर रहे हैं वो लक्ष्मी विलास बैंक की कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लॉस में जा रही है एंड इसीलिए उसकी जो यू नो फिनेंशियल कंडीशन है उसको मॉनिटर करने के लिए 30-day मोरेटोरियम पीरियड में रखा गया है LVB को। ओके, सो रिसेंटली जो RBI है उसने एक स्कीम भी ड्राफ्ट की है फॉर द अमालगमेशन। अमालगमेशन वही है, मर्जिंग ऑफ LVB विथ DBS बैंक इंडिया। ओके, सो ये जो दो बैंक्स हैं इनको मिलाने की बात की जा रही है। नाउ लेट्स मूव अहेड, व्हाई वाज LVB पुट अंडर मोरेटोरियम एंड अमालगमेटेड विद DBS? सो बात तो वही, आपको बेसिक आइडिया पता ही है कि जो बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन का जो अमालगमेशन है वो क्यों किया जाता है, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली LVB और DBS बैंक की बात कर रहे हैं, तो उसको हमें डेटा वाइज एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, कंटिन्यूस लॉसेस, बस वही रीज़न है ना। तो डायरेक्टली देख लीजिए, कंटिन्यूस लॉसेस ही हैं, बस उनके जो डेटा है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसको आपको एक बार देख लेना है। सी द RBI सेट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द चेन्नई बेस्ड LVB विच हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 563 ब्रांचेस एंड डिपॉजिट्स ऑफ 20,973 crore हैज़ अंडरगोन अ स्टेडी डिक्लाइन। ओके, सो द फिनेंशियल कंडीशन is declined with continuous losses over the last 3 years eroding the bank's net worth. Okay, LVB posted a net loss of rupees 397 crore in the September quarter. So यही इसके data दिए गए हैं कि इतना loss हुआ है LVB को. Rising NPAs. NPAs आपके होते हैं non-performing assets. Okay, इसका मतलब ये है आपके जो liabilities हैं बैंक या किसी कंपनी के ऊपर वो बढ़ती जा रही हैं। लायबिलिटीज़ आप किसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, हमने पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि किसी भी कंपनी के लिए एसेट्स, ओके, एंड लायबिलिटीज, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू नीड टू नो दैट व्हाट आर दीज टू टर्म्स। एसेट्स जो होते हैं कंपनी के वो होते हैं जो कि वो स्पेंड कर सकते हैं। ओके, स्पेंड कर सकते हैं, इसका मतलब वो उसको पजेस करते हैं, वो उनको पजेस करते हैं, उसके पास जितनी भी कैपिटल होती है, ओके, जिस भी फॉर्म में वो पजेस करते हैं ऐसी चीज़ों को एसेट्स बोलते हैं। ओके, जिसके थ्रू वो मनी अर्न कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर और इन द प्रेजेंट, उनको एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटीज आपकी वो होती हैं जिसके थ्रू, दीज आर द एक्सपेंडिचर, और यू कैन से दैट दीज आर द फ्यूचर, दीज आर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर। ओके, ये आपके जो चीज़ें कंपनी को किसी को कर्ज के रूप में वापस करनी होती हैं, सो दोज आर कॉल्ड लायबिलिटीज, दे आर ऑफ नो यूज, राइट? इंस्टेड दे आर हार्मफुल फॉर एनी कंपनी। जितनी अगर लायबिलिटीज ज़्यादा होंगी किसी भी कंपनी की तो वो कंपनी लॉस में जाएगी, है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना है फ्यूचर में, इसलिए खर्च नहीं करना है क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा इसलिए खर्च करना है क्योंकि उसको उसके जो कर्ज हैं, ठीक है, वो चुकाने हैं। ओके, दीज आर द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन द नियर फ्यूचर, सो दीज आर द लायबिलिटीज,
ऑल राइट। एंड आपके जो एसेट्स हैं, जैसे कि आपके लोन्स वगैरह हो गए, वो लायबिलिटीज़ हो गए। एसेट्स आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं जैसे कि आपके पास जो हैवी मशीन्स है, मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक हैवी मशीन है जो इंडस्ट्री ने खरीद ली है एंड इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 to 5 years नाउ। व्हाट हैपन्स, दैट इज़ कॉल्ड द एसेट ऑफ द इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ एबल टू अर्न मोर एंड मोर मनी, राइट? सो एसेट कैन बी इन एनी फॉर्म। आपने रिसेंट जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी सुना होगा कंपनीज के द्वारा कि जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एज एसेट ट्रीट किया जाए तो वो कंपनी बहुत ग्रो करती है। तो एसेट का मतलब यही है, ओके? देन दे ब्रिंग प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ओके? आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव अहेड। राइजिंग NPAs, NPAs जो है वो कम होने चाहिए कंपनी में। मैंने आपको बताया कि जो liabilities है वो कम होनी चाहिए। सो सीरियस गवर्नेंस इशूज इन रिसेंट ईयर्स हैव लेड टू डिटीरियोरेशन इन इट्स परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द बैंक्स एडवांसेज हैव टर्न्ड बैड एसेट्स, ओके? सो बैड एसेट्स जो है वो आपके वही हैं दैट विच आर हार्मफुल फॉर योर कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन। Its gross non-performing assets stood 25.4% of its advances as of June 2020 as against 17.3% a year ago. Okay, so this is the data regarding your non-performing assets of the bank. LVB ke data hai ye. Low liquidity. See, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमें ये नहीं याद रखना है कि LVB जो है उसमें कितना लॉस हुआ, ठीक है? कितने एसेट्स हैं उनके पास, कितने उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, हमें ये याद नहीं रखना है। यहाँ पे हमको ये समझना है कि इस आर्टिकल के थ्रू हमें जो बेसिक पॉइंट है वो समझना है कि जो मर्जिंग और मिंगलिंग है वो क्यों की जाती है, ठीक है? जो गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप लेती है वो क्यों लेती है, ओके? क्या रीजंस है? तो पहला रीज़न हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूस लॉस। दूसरा रीज़न हमने पढ़ लिया, इट इज़ NPAs, नंबर ऑफ NPAs आर राइजिंग। नाउ द थर्ड रीजन इज लो लिक्विडिटी, ओके? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज लिक्विडिटी, ओके? सो योर लिक्विडिटी इज नथिंग बट इट इज एसेट। आपको समझ आ गया कि एसेट क्या है? एसेट इन फॉर्म ऑफ कैश, ओके? एसेट इन फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, ओके? यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो LVB है आपकी, LVB आपका लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसकी लो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि उसके पास कैश जो है वो काफ़ी कम है। इट डज नॉट हैव एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके? सो दिस इज द प्रॉब्लम। जो भी उसके पास अमाउंट डिपॉजिट किया गया था LVB के पास वो विड्रॉ किया जा चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट द लेवल ऑफ लिक्विडिटी हैज़ गोन डाउन। सो आपको समझ आ गए ये पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट? नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज अनेबल टू रेज कैपिटल। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ना ही कंपनी के पास एसेट्स है, ना ही कंपनी के पास लिक्विडिटी है, ओके? कंपनी कंटिन्यूस लॉस में जा रही है तो वो कैपिटल कहाँ से बढ़ाएगी, है ना? हाउ विल इट बी एबल टू रेज द कैपिटल? दिस इज सो ऑब्वियस पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ओके? सो द बैंक हैज नॉट बीन एबल टू रेज एडिकेट कैपिटल टू एड्रेस दिस इश्यूज, ओके? सो वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको समझाई है। द बैंक मैनेजमेंट हैड इंडिकेटेड टू द RBI दैट इट वॉज इन टॉक्स विद सर्टेन इन्वेस्टर्स बट फेल्ड टू सबमिट एनी कॉन्क्रीट प्रपोजल। See, अब हियर द पॉइंट इज दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, वो LVB को क्यों नहीं खरीदना चाहते? सी, LVB इज ऑलरेडी इन लॉस, राइट? इट इज ऑलरेडी इन लॉस। तो अब LVB क्या कर रही होगी, वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही है, इन्वेस्टर्स से बोल रही है कि आप हमारे एसेट्स को खरीद लीजिए, ये बोल रही है इन्वेस्टर्स को। नाउ इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक ऐसी बैंक के एसेट्स को क्यों खरीदेंगे जो ऑलरेडी इन लॉस में है? फिर भी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो एसेट्स खरीद लेंगे बट इन वेरी लो प्राइसेस, ओके? द प्राइसेस वुड बी वेरी लो। नाउ द प्राइसेस आर वेरी लो फॉर द एसेट्स, तो LVB इसलिए एक प्रॉपर प्रपोजल हैंडल नहीं कर पा रही है, ओके? तो उसके लिए
भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि LVB को एसेट्स की प्रॉपर जो वैल्यू है वो नहीं मिल रही है इन्वेस्टर्स के थ्रू. एंड सी इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो राइट इन इन देयर प्लेसेस राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. Are depositors and the financial system safe? Now here we are talking about the financial safety assurance and insurance by RBI. See, this is handled by RBI. आपका जो सेंट्रल बैंक है वो ही हैंडल करता है. Which put a cap of ₹25,000 on withdrawals has assured depositors of the bank that their interest will be protected. Okay? So ऐसा है कि जितने भी यू नो डिपॉजिट किए गए हैं पैसे LVB में, तो जो विड्रॉअर्स हैं उनको बोला गया है कि आप 25,000 से ज़्यादा मनी विड्रॉ नहीं कर सकते. सो द कैप हैज़ बीन पुट ऑन द विड्रॉवल्स सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ अदर विड्रॉअर्स इज ऑल्सो द अदर कस्टमर्स हु हैव डिपॉजिट दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. वन सेफ्टी नेट फॉर ऑल डिपॉजिटर इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ऑफ कोऑपरेशन एंड RBI सब्सिडरी विच गिव्स इंश्योरेंस कवर अप ऑन अप टू 5 lakh डिपॉजिट्स इन द बैंक राइट. सो amalgamation विल प्रिवेंट फर्दर स्लाइड. ओके, सो आपको पता ही है कि amalgamation जो आपका मिंगल किया गया है, मर्ज किया गया है, बैंक को मर्ज करने की बात हो रही है, दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट द यू नो फर्दर लॉसेस. द कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ DBS. सो हियर DBS इंडिया एंड LVB दे बोथ हैव शोन द बैलेंस शीट टू द गवर्नमेंट टू द RBI राइट. सो आफ्टर द प्रपोज्ड amalgamation with capital to risk weighted assets ratio at 12.51% and common equity tier 1 capital at 9.61% without taking into account the infusion of additional capital. Okay, so balance sheet जो है वो किसी भी कंपनी की financial condition को बताता है. तो दोनों ने DBS India और LVB जिनका amalgamation हो रहा है उन दोनों ने अपनी balance sheet दिखाई है. तो जो CRAR है, ओके, CRAR है, उसकी जो रेट है दैट इज़ 12.51% एंड कॉमन इक्विटी टीयर जो है CET1 जो है दैट इट इज़ एट 9.61%. सो दिस इज समवट एक्सेप्टेबल. सो दैट्स वाई दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर टू बी फ्यूज्ड. राइजिंग क्राइसिस इन बैंकिंग सेक्टर. सो एज आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर लक्ष्मी विलास बैंक, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको मर्ज किया गया है. तो इसका मतलब यही है कि बाकी सारे बैंक्स जो हैं अदर देन LVB दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. ओके, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम क्राइसिस. सो वॉट डू वी हैव टू से अबाउट द राइजिंग क्राइसिस इन द बैंक सेक्टर. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ LS एंड FS इन 2018. सबसे जो LS और FS की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले 2018 में जो हुआ था, इट हैड सेट ऑफ अ चेन रिएक्शन इन द फिनेंशियल सेक्टर लीडिंग टू लिक्विडिटी इश्यूज एंड डिफॉल्ट्स. सी एज यू ऑल नो व्हेन द बैंक गोज इनटू द लॉसेस तभी डिफॉल्ट्स के काफ़ी सारे केसेस बाहर निकल के आते हैं. ओके, बिकॉज देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स द बैंक इज नॉट एबल टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स नाउ. तो बैंक जो है वो छोड़ छाड़ के भाग जाती हैं. एंड आपके इसके रिसेंट एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे पता ही हैं, है ना. तो क्योंकि आपको अपडेटेड रहना चाहिए, अब हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बैंक डिफॉल्ट्स के जो केसेस सामने आते हैं वो एक्चुअली किस तरीके से होते हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. अब आप इतने प्रेस्टीजियस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाफ नॉलेज नहीं रख सकते ना कि हाँ ठीक है ऐसा हो गया ऐसा हो गया. हो गया पर क्यों हो गया, कैसे हो गया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच प्रेस्टीजियस एग्जाम. सो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था, इट वॉज हिट बाय अ लोन स्कैम इन्वॉल्विंग HDL प्रमोटर्स एंड द बैंक इज येट टू बी बेल्ड आउट. ओके, सो ये कुछ केसेस है जिनकी मैं बात कर रही हूँ. ओके, द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ येस बैंक इन मार्च 2020. ये तो अभी रिसेंटली आपके लॉकडाउन के टाइम का ये येस बैंक का आपने सुना ही होगा. सेंट जिटर्स अमॉन्ग द डिपॉजिटर्स.
ओके, डिपॉजिटर्स जो थे वो कांप गए थे जिनका यस बैंक में पैसा जमा था कि अगर यस बैंक भी भाग गया तो हमारा पैसा तो डूब गया, है ना। बट द आरबीआई बेल्ड आउट यस बैंक थ्रू अ स्कीम बैक बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। बट आरबीआई ने हेल्प की आपके यस बैंक की विद द हेल्प ऑफ एसबीआई एंड अदर बैंक्स। शेयर होल्डर्स ऑफ एलवीबी एंड धनलक्ष्मी बैंक रिसेंटली फायरिंग देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन द स्पैन ऑफ अ वीक। उसी की मैं बात कर रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज दीज बैंक्स आर गोइंग इन टू लॉसेस, क्योंकि वो अपने जो ऑफिस जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जब निकाल रहे हैं, सो डू यू थिंक कि वो जो एक सिंपल सा एम्प्लॉय है वो उनको रखेंगे? द आंसर इज नो, राइट। तो वो फायर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द पीपल आर वेरी मच अफेक्टेड। नाउ वॉट हैपन्स टू द इन्वेस्टर्स इन दीज बैंक्स? ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड कि जो डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को कैसे ध्यान में रखा जाता है, अमालगमेशन की प्रोसेस क्या होती है एंड रीजंस क्या होते हैं, ओके, कौन सी बॉडी है जो गवर्नमेंट की हेल्प करती है आपके सच बैंक्स को बचाने में अगर वो लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट हैपन्स टू द इन्वेस्टर्स। सो बैड एक्सपीरियंस फॉर येस बैंक इन्वेस्टर्स, हियर वी आर लुकिंग एट द एक्सपीरियंस of Yes Bank investors. Okay, shareholders in Yes Bank faced a significant erosion in wealth as the stock price crashed below rupees 10 per share from a peak of rupees 400 per share. तो देखिए यहाँ पे अब आपके आ गया स्टॉक मार्केट का खेल, कैसे आ गया, पहले जो पर शेयर की वैल्यू 400 रुपीज हुआ करती थी, ओके, अब उसकी वैल्यू मात्र 10 रुपये रह गई है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक पेन जितनी वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये रह गई है सिर्फ। तो इन्वेस्टर्स को ये देखने के बाद कितना बड़ा दिल का दौरा पड़ा होगा आप समझ सकते ही हैं, है ना। दोज हू आर यू नो फॉलोइंग द स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, उनको पता होगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, एंड दैट टू फॉर इन्वेस्टर्स जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके लिए इसका कितना बड़ा लॉस सामने निकल के आया होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। नियर टोटल लॉस फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एलवीबी, अब हम टोटल लॉस की बात कर रहे हैं, हमने एक शेयर पे कितना लॉस हुआ उस वो देख लिया हमने। नाउ इन केस ऑफ एलवीबी इक्विटी कैपिटल इज बीइंग फुली रिटर्न ऑफ, ओके, जो आपकी इक्विटी कैपिटल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दिस मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फेस अ टोटल लॉस ऑन देयर इन्वेस्टमेंट अनलेस दे आर बायर्स इन द सेकेंडरी मार्केट हु मे एस्क्राइब सम वैल्यू टू दीज, ओके। इन दिस ड्राफ्ट स्कीम फॉर अमैलगमेशन द आरबीआई सेड दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट the entire amount of paid up share capital and reserves and surplus including the balances in the share securities premium account of the transferor bank shall stand written off, okay। so aapke RBI ne bhi ek jo notice jari kar diya hai jisme ki aapke draft scheme for amalgamation ki baat ki gayi thi, okay। to RBI ne bol diya hai ki jo bhai khatam ho gaya wo ab khatam ho gaya hai, ओके, जो जो चला गया वो अब चला गया, अब हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। इश्यूज फेसिंग ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, द फंक्शनिंग ऑफ मैनी सच बैंक्स हैज़ बीन अंडर स्क्रूनिटी इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एज मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स मेकिंग देम टारगेट्स फॉर मर्जर्स और फोर्स्ड अमलगमेशन, ओके। सो देखिए आरबीआई की नज़र जिन बैंक्स पे पड़ जाती है उनका तो भला हो जाता है, उनका अमालगमेशन हो जाता है ना, लेकिन जिन पर आरबीआई की नज़र नहीं पड़ती, ठीक है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स नहीं हैं, जो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे या फिर उनकी जो सिचुएशन है वो उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी बैंक्स की ना उनकी ख़राब हो जाती है, जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनका तो अमालगमेशन भी नहीं हो पाता, तो वो अकेले पड़े पड़े सड़ के मर जाते हैं, ठीक है, ऐसे बैंक्स। सो टू अदर साउथ बेस्ड बैंक्स, साउथ इंडियन बैंक एंड फेडरल बैंक हैव बीन ऑपरेटिंग एज बोर्ड ड्रिवन बैंक्स विदाउट अ प्रमोटर,
okay. So Karur Vyasya Bank, the promoter stake is 2.11% only, and in Karnataka Bank there is no promoter. Okay, the problems in LVB follow the similar challenges faced by Yes Bank as well as Punjab and Maharashtra Cooperative Bank in recent times. Okay, so जो आपके Yes Bank का केस था और Punjab and Maharashtra Cooperative Bank का केस था, it was similar to LVB only. Now what has been the regulatory response to these failures? Okay, so when RBI was headed by YB Reddy, it announced a moratorium on private sector lender Global Trust Bank, which was then reeling under huge losses and bad loans. तो आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है amalgamation का, वो कैसे होता है? आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया इस बैंक को जो कि काफ़ी लॉस में जा रहा है. अब उस लॉस को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए क्या करती है आरबीआई? मोरेटोरियम पीरियड लगा देती है. तो मोरेटोरियम पीरियड में वही होता है कि जो बैंक्स हैं उनको लोन रीपेमेंट के लिए उतनी टेंशन नहीं लेनी होती, ठीक है. सो दे आर गिवन सम रिलीफ. द बैंक वॉज मर्ज्ड विद पब्लिक सेक्टर. तो इससे क्या होता है, एक यू नो एक स्टॉप लग जाता है जो लॉसेज में वो एकदम से गिर रही होती है ना, तो एक स्टॉप लग जाता है जब आरबीआई स्टेप इन कर लेता है. तो इस स्टॉप की वजह से, ठीक है, ये ब्रेकर जो है, इसकी वजह से जो वो जिस स्पीड से लॉसेस हो रहे होते हैं ना वो बैंक के, तो उसमें ब्रेकर का काम आपका करता है आरबीआई की एंट्री, और आरबीआई क्या करता है, मोरेटोरियम पीरियड लगा देता है, ठीक है. तो ये बात आपको समझ आ गई. अब उसके बाद आपके अमालगेमेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. सो दिस बैंक वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, सो दिस देयर वॉज दिस प्राइवेट सेक्टर लेंडर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक. इस बैंक को बाद में पब्लिक सेक्टर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज कर दिया गया था विद इन 48 आवर्स अंडर आरबीआई लेट रेस्क्यू प्लान. सो आप देख रहे हैं दैट आरबीआई इज बेसिकली रेस्क्यूइंग ऑल दीज बैंक्स विच आर गोइंग इन टू लॉसेस. तो आरबीआई जो है, ठीक है, उसको देख के जो ये बैंक्स है छोटे छोटे जो लॉस में जा रहे हैं, जो बंद पड़ने वाले हैं, ठीक है, या अपना सब बेच बाच के एकदम दौड़ के कहीं जाने वाले हैं संन्यास लेने, तो वो जब आरबीआई को देखते हैं तो उनके मन में पता है क्या आता है कब, तो कि जब वो देख लेते हैं आरबीआई को, ये ही हमारे भगवान है. एंड आरबीआई बी लाइक, कभी कभी लगता है अपूनिच भगवान है ना. तो आरबीआई का उस एटीट्यूड का ये रीज़न यही है. नियरली 16 ईयर्स लेटर द आरबीआई हैज फॉलोड अ समवॉट सिमिलर अप्रोच ऑन रिससाइटेशन ऑफ द ट्रबल्ड लेंडर्स ऑफ येस बैंक एंड नाउ एलवीबी. तो ठीक है, उसने आपके एकदम भगवान बन के येस बैंक और एलवीबी को बचा लिया. द मोरिटोरियम अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर येस बैंक and capital infusion by banks and financial institutions with SBI, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC, Axis Bank and others putting in equity capital in the reconstructed entity. ठीक है, तो आपके इक्विटी का मतलब, पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब देखिए क्या होता है. सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, उसके पास एसेट्स हैं, वो अपने एसेट्स को बेचना चाहता है, स्टॉक मार्केट में आई वो कंपनी, ठीक है. अब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके स्टॉक्स को खरीदना चाहती है, तो सिंपल सी बात है कि वो शेयर्स खरीद लेती है उस कंपनी के जो लॉस में जा रही होती है, या फिर जो अपने एसेट्स बेचना चाहती है. तो जो कंपनी है बायर साइड पे, वो शेयर्स खरीद लेती है, उसके बदले कुछ फंड्स प्रोवाइड कर दी जाती है, कर दिए जाते हैं उस कंपनी को जो कि लॉस में जा रही होती है. तो इससे उनका जो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है. आपको समझ आ गया ना कि अब इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है. तो एलवीबी और येस बैंक के केस में एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, ये जो गवर्नमेंट के साथ इन्होंने येस बैंक और एलवीबी जैसे बैंक्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया बाय प्रोवाइडिंग इक्विटी कैपिटल टू देयर यू नो ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो समझ आ गया आपको. आई होप दैट दिस इज गोइंग वेल राइट नाउ. विद लोन स्ट्रेस
caused by the pandemic impact the banking system. So हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, इससे पहले हमने जितनी भी बातें की, क्या वो पैंडमिक की वजह से हुई थी? द आंसर इज नो. ऐसा नहीं है कि पैंडमिक की वजह से ही ये जो बैंक है वो लॉसेज में जाने लगे. उससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है. उससे पहले भी बैंक ने लॉसेज एक्सपीरियंस किए हैं एंड उससे पहले भी मर्जिंग हुई है बैंक्स की. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पैंडमिक इम्पैक्ट. नाउ बिजनेस साइकिल हैज़ बीन डिसरप्टेड. जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज द पैंडमिक अफेक्ट्स कैश फ्लोज ऑफ पीपल एंड कंपनीज. ओके, सो पैंडमिक में जो है वो बैंक्स का और भी बुरा हाल इसलिए है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लोज ज़ीरो हो चुके हैं. लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो डिपॉजिट कहाँ से करेंगे? कंपनीज जब खुली नहीं रही हैं तो वो डिपॉजिट कैसे करेंगी बैंक्स में, राइट? तो उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो और वीक पड़ता जा रहा है. डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक ऑन सेक्टर. However, the impact will differ depending upon the sector, as segments like pharmaceuticals and IT seem to have benefited in terms of revenues. Although there are sectors which have benefited from, you know, corona times, जैसे कि pharmaceuticals हो गया, आपके IT sector हो गया, ये कुछ sectors में हाँ benefits देखने को मिले हैं, but the answer is that क्या सारे sectors में benefit देखने को मिले हैं? नो, राइट. सारे सेक्टर्स में मोस्टली सेक्टर्स ने एक्सपीरियंस किया है डिक्लाइन इन देयर ग्रोथ एंड इन देयर अर्निंग्स, राइट. सो उसकी वजह से बैंक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. एनपीए एक्रीशन इन कैश रिच सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, ओके, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स is expected to be smaller when compared to areas like hospitality, tourism. So these are the worst affected sectors, hospitality, tourism, aviation and other services. क्योंकि lockdown की वजह से ये सारे sectors में भी lock पड़ा हुआ था, right? So we have talked about KV Kamat Committee. आपको पढ़ के याद आ गया होगा कि हमने इसमें क्या देखा था. हमने पढ़ा था कि this is the loan restructuring window जो आपके KV Kamat Committee form की गई थी earlier in this year. It came out with recommendations on the financial parameters required for a one-time loan restructuring window for cooperative borrowers under stress due to pandemic. Okay, so this was for providing the loans for cooperative borrowers. Okay, now this is the conclusion. हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की तो कंक्लूजन क्या है? While banking observers agree that RBI has acted whenever a bank or an NBFC faced trouble, ठीक है, वही है कि RBI ने सोचा अपुनीच भगवान है और उसने सबको जाके यू नो बचा लिया. तू भी आ, तू लॉस में जा रहा है, मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है. सो वही आपके एटीट्यूड जो है वो RBI का यही है, अपुनीच भगवान है टाइप का. In a good way, right? Not in a bad way. ठीक है, वरना आप लिखने लगे कि ये क्या बोल रही है ना. The question remains whether it made the interventions swiftly. ठीक है, RBI ने help की banks की जब loss बिल्कुल, you know, the banks were at the horizon of losing all their assets, तब RBI की entry हुई. लेकिन question ये है, क्या RBI का step in करना late हो गया? ठीक है, क्या RBI ने सही टाइम पर स्टेप इन किया और वॉज इट लेट? सो दैट क्वेश्चन अराइजेस हियर. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. दिस इज सेफरन बोल टू एक्सपेंड टू द नॉर्थ ईस्ट सून. सेफरन बोल जो आपका है वो कहाँ पे है? आपका जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, द सेफरन बोल विच वॉज सो फार कन्फाइंड टू कश्मीर मे सून एक्सपैंड टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. अब जो सेफरन बोल है वो पहले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था. वहीं सेफरन का मतलब आप जानते हैं ना, केसर. वो कश्मीर में ही प्रोड्यूस की जाती थी. ठीक है, अब उसका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड किया जाने का प्लान बनाया गया है. प्लान्स विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम एक्लीमेटाइज्ड देयर एंड आर नाउ फ्लावरिंग इन यांगयांग इन द सदर्न पार्ट ऑफ सिक्किम. तो कहाँ से आपके कश्मीर से सिक्किम पहुँचाए गए हैं केसर की जो खेती है. ठीक है, वो अब सिक्किम में भी की जाएगी. सिक्किम के यांगयांग एरिया में इसको यू नो
प्लांट किया गया है एंड दे आर फ्लावरिंग देयर. सो व्हाट आर द की टेकअवेज, लेट्स लुक एट देम. Saffron production has long been restricted to a limited geographical area in the Union Territory of J&K. ठीक है, ये मैंने बात बताई आपको. Though the National Mission on Saffron focused on several measures to improve its farming, the measures were still limited to the specified areas of Kashmir only. Okay, but now the Sikkim Central University, उसने कुछ test carry out कराए हैं ये समझने के लिए कि किस टाइप की सॉइल और पीएच कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है फॉर द फार्मिंग ऑफ सेफ्रन. ठीक है, तो इसीलिए जो सिक्किम यूनिवर्सिटी ने रिसर्चेस किए हैं, उन्होंने टेस्ट जो कंडक्ट कराए हैं, बेस्ड ऑन देम ओनली यांगयांग एरिया ऑफ सिक्किम उसको सिलेक्ट किया गया है सेफ्रन ग्रो करने के लिए. ओके, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, supported a pilot project to explore the feasibility of growing saffron in northeast region of India. All right, with the same quality and higher quantity. So basic सी बात यही है कि जो पहले कश्मीर में आपकी saffron grow की जाती थी, now it would also be grown in Sikkim. Okay, so here as all of you might know that what is saffron, still there are some points regarding it that I would like to discuss. Saffron is a plant whose dried stigmas, thread-like parts of the flower, are used to make saffron spice. Saffron cultivation is believed to have been introduced in Kashmir by Central Asian immigrants around the 1st century BCE. So इसका जो सेंट्रल एशिया इमिग्रेंट्स है उनके थ्रू ये कश्मीर में इंट्रोड्यूस की गई थी. इट रिप्रेजेंट्स द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ J&K रीजन. इट इज़ वेरी प्रेशियस एंड कॉस्टली प्रोडक्ट. ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट? इट इज़ रेफर्ड टू एज बाहुकम इन द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर. सो केसर को हम बाहुकम बोलते हैं संस्कृत भाषा में. इट इज़ कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन कारेवा ऑफ J&K, हाईलैंड्स ऑफ J&K. Okay, now these are the uses of kesar. It rejuvenates health. It is used in cosmetics and for medicinal purposes, right? मम्मी को लगाते देखा होगा आपने, केसर लगाती है दूध में मिला के, है ना, केसर की क्रीम, जो कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह होती हैं, फेशियल क्रीम्स, वो आती हैं. इट इज़ यूजुअली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग जून एंड जुलाई एंड एट सम प्लेसेज इन ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर. And this is the fact about kesar, that it grows well at an altitude of 2000 meters above the sea level. Okay, it needs 12 hours of sunlight. It grows in many different soil types but thrives best in calcareous soil. Okay, in that calcium carbonate is present in more amount. Calcareous soil mein aapke calcium carbonate zyada amount mein present hota hai. It thrives for the, you know, it humus rich and well drained soil with pH between 6 to 8. Okay, so these are the soil conditions which are required for growing kesar. Temperature range 35 to 40 degrees Celsius in summer and about minus 15 to minus 20 degrees Celsius in winter. So these are the ranges in which kesar can survive. It also requires adequate rainfall, that is 1000 to 1500 mm per annum. All right, now this is about the Pampor region in India, commonly known as saffron bowl of Kashmir, is the main contributor to saffron production, followed by Budgam, Srinagar and Kishtiwar district. So these are some of the places where kesar is grown and it contributes to the, you know, saffron production majorly. Okay, third edition of Deccan Dialogue. Recently, third edition of Deccan Dialogue has taken place, organized by Indian School of Business in partnership with Ministry of External Affairs. Theme jo thi wo thi crisis and cooperation imperative in the times of pandemic. So abhi aapne dekha hai ki jitne bhi dialogues kiye gaye hain, jitne bhi summits kiye gaye hain, unki jo theme hai wo majorly aapke pandemic ke upar hi rakhi jati hai. To problem nahi aayegi zyada, hai na?
तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि जो डेकन डायलॉग है वो किया किस लिए गया है, वो किया गया है टू एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स टू एड्रेस द क्राइसिस थ्रू वेरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड टॉक इन डिटेल ऑन पर्टिनेंट इशूज फेस्ड बाय द वर्ल्ड. सो ऐसे इशूज जिनको हम डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके, कोऑपरेशन और बात करने के ज़रिए से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका ऑब्जेक्टिव जो डेकन डायलॉग का था वो यही था. नाउ यू नीड टू नो दैट व्हाट इज़ डेकन डायलॉग. इट इज़ एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ ISB, इंडियन स्कूल बिजनेसेस का एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है. एम जो होता है इसका टू प्रमोट मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड कंट्रीज एक्सटर्नल एंगेजमेंट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऐसे यू नो ऐसे इश्यूज को जिनको डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात होती है कि इश्यूज को हम डिप्लोमेसी और टॉक्स के थ्रू ही सॉल्व कर पाए इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल. ओके, नाउ हरियाणा CM अनवील्स प्रोजेक्ट एयर केयर फॉर गुरुग्राम. देखिए प्रोजेक्ट एयर केयर जो है वो आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा. ओके, सो CM ऑफ हरियाणा हैज़ अनवील्ड दिस प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम. गुरुग्राम जो है वो आपकी आपको पता है दैट इट इज़ कॉल्ड बाय सम स्पेशल नेम. उसका एक स्पेशल नाम है गुरुग्राम का, एक डैश सिटी के नाम से जाना जाता है ये. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुरुग्राम को किस स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, ठीक है. सो आई वुड बी ग्लैड इफ़ यू सम ऑफ यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि गुरुग्राम को किस स्पेशल नाम से बुलाया जाता है. He has also inaugurated a project for the beautification of the gateway of Gurugram on the Mehrauli Gurugram road. Okay, so project air for crack kya hai wo dekhte hain hum. It would be set up at areas with high air quality indices. Okay, the project has been a result of public private partnership between Gurugram Metropolitan Development Authority and GlaxoSmithKline customer healthcare. Okay, so these are the you know organizations PPP, okay, public private partnership जो आपके इस project को handle कर रही हैं. under the program 65 wind augmentation purifying units, okay, वायु ये आपने सुना होगा कि वायु क्या है. तो wind augmentation purifying units हैं, इनको हम वायु बोलते हैं. they would be installed across Gurugram through public private partnership, ठीक है. तो ये आपका एक PPP प्रोजेक्ट है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं. जब भी आप PPP प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो आप उसमें प्रोजेक्ट FOK को कोट कर सकते हैं, इफ़ ओनली यू नो अबाउट दिस, है ना, जो कि हम अभी जान रहे हैं. सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड, जो आपका वायु है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR, ओके, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है. ओके, देन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिवाइजेस सेंट पॉलिसीज. सो सेंट पॉलिसीज जो 2019 की थी उनको रिवाइज किया गया है AP गवर्नमेंट के द्वारा. सेंट्रल एजेंसीज गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर सेंड माइनिंग. ओके, इफ नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल एजेंसीज PSUs सेंड ऑपरेशंस टू बी एंट्रस्टेड टू टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड competent and financially strong agencies selected through technical and commercial bids with minimum auction premium fixed by state government in addition to seniorage fee and other applicable levies. कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, सिंपल सी बात है. सबसे पहले जो सेंट्रल एजेंसीज हैं AP में उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है. जो सेंड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंड आपका सेंट्रल एजेंसीज को दिया गया है, ठीक है. यूज़ ऑफ सेंड जितनी भी चीज़ें हैं सेंड के ऊपर फर्स्ट अथॉरिटी सेंट्रल एजेंसीज को दिया है. अगर सेंट्रल एजेंसीज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, सेंट्रल एजेंसीज जैसे आपके PSUs हो गए, है ना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं एजेंसीज वो सारे सेंट्रल एजेंसीज होते हैं. अगर सेंट्रल एजेंसीज का कोई रिस्पांस नहीं आया तो ऐसी एजेंसीज को दिया जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कॉम्पिटेंट
और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग एजेंसीज जो हैं इस फील्ड में उनको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रोजेक्ट्स, जो सेंड प्रोजेक्ट्स हैं वो, ठीक है, सिंपल सी बात है। 15th ईस्ट एशिया समिट, रिसेंटली 15th ईस्ट एशिया समिट हैज़ टेकन प्लेस, इट हैज़ बीन चेयर्ड बाय पीएम ऑफ वियतनाम, ठीक है, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको चेयर किया है। इंडिया हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, सो एक्सटर्नल अफेयर्स आपके कौन मिनिस्टर कौन है, आपके गृह मंत्री वो अमित शाह जी, ठीक है, नो जयशंकर जी है ना, आई एम सो सॉरी, यूनियन मिनिस्टर जो है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के वो हैं जयशंकर जी, गृह मंत्री कह रही हूँ। इट हैज़ अडॉप्टेड हेनोई डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन हैज़ एम्फसाइज्ड आसियान सेंटर्ड रीजनल आर्किटेक्चर, ये हम पढ़ चुके हैं आसियान के बारे में, ठीक है, आपके जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ठीक है, वो सारी कंट्रीज आसियान की मेंबर हैं। आपके आसियान का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो वो सारे नेशंस जो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको मैप अब अगर याद है तो चाइना के नीचे जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, आपकी फिलीपींस हो गई, देन वियतनाम हो गई, कंबोडिया हो गई, लाओस हो गई, ठीक है, जो तिमोर है, तिमोर कास्ते, ये सारी जो कंट्रीज है वो आपके आसियान में आती हैं, ओके, मलेशिया हो गया, ओके, सो ऑल दीज कंट्रीज। The summit stressed on the need to further enable East Asia Summit as an effective platform. It stressed upon effective implementation of Manila Plan. Manila कहाँ है आपका? Philippines की capital है, okay? So Manila Plan of Action to advance the Phnom Penh Declaration. Phnom Penh कहाँ की capital है? Cambodia. देखिए आप सारे वही countries आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, है ना? So जो Phnom Penh Declaration है और Manila Plan of Action है, ओके, इनके ऊपर फोकस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ नवंबर मंथ एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियो, ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं एंड हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं इफ़ यू वांट समथिंग एल्स टू बी एडेड, ओके, एंड आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज़, बिकॉज सी जो वीडियो है हम उसमें ओवरऑल जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं हम उनको कॉम्प्रहेंसिव वे में डिस्कस करते हैं, ओके, सो इफ़ यू हैव ऑल्सो स्टडीड, आप पहले पढ़ चुके हैं, सो दीज आर द वीडियोज़ विच विल हेल्प इन योर रिविजन, ओके, एंड इसमें हम नॉट जस्ट आर्टिकल्स, हम एडिटोरियल्स भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज ही हमने एक एडिटोरियल लक्ष्मी विलास बैंक का जो डिस्कस किया था, ठीक है, एडिटोरियल्स ही हम जो अच्छे से जो बड़े बड़े एकदम आर्टिकल्स होते हैं वो एडिटोरियल्स ही डिस्कस करते हैं, ओके, उनका नाम नहीं लिखा है लेकिन हम डिस्कस वही करते हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियो, कीप लर्निंग विथ अस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।